गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दलजीत कौर की दूसरी शादी पर काफी ज्यादा खतरे का साया मंडरा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दलजीत को बेघर करना चाहते हैं निखिल। बुरे वक्त में एक्ट्रेस को मिला है अब कोर्ट का साथ। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब दलजीत ने भी कानूनी कदम उठा लिया है, जिसकी वजह से जो उनके दूसरे पति हैं निखिल पटेल, वो भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको तमाम जानकारी देने के लिए मैं हाजिर हूँ। और प्लीज आपको यही कहूंगी, अगर नए हैं चैनल पर तो बना देरी के लिए गॉसिप टाउन को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर 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 कर लीजिएगा। दरअसल दलजीत ने निखिल पर चीट का आरोप लगाया। वहीं निखिल का कहना है कि जिस दिन दलजीत ने केन्या से इंडिया जाने का फैसला किया, उसी दिन ही उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर मिल गया है, जिसमें निखिल को दो आदेश दिए गए हैं। बता दें आपको, केन्या के नैरोबी शहर की कोर्ट ने बेटे जेडन और पत्नी दलजीत को बेदखल करने पर रोक लगा दी है और ये अपने आप में काफी बड़ा सपोर्ट मिला है दलजीत कौर को। उनका कोई सामान फेंकने से भी मना कर दिया गया है। मिली मनी कोर्ट द्वारा 11 जून को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि आवेदन की सुनवाई और आखिरी फैसला आने तक निखिल दलजीत कौर और उनके बच्चे जेडन को घर से बेदखल नहीं कर सकते हैं। घर में मौजूद उनके निजी सामान या चीजों को फेंकने पर भी रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। ये एप्लीकेशन दलजीत ने ही फाइल की थी, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला लिया है। यानी कि अब जो कानूनी कदम दलजीत ने उठाया निखिल के खिलाफ, उन्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है और काफ़ी साथ भी मिला है, जिसकी वजह से अब पूरी तरीके से फंस सकते हैं निखिल पटेल। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।